देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव सिर पर हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर रही है, चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है, लेकिन बीजेपी को परास्त करने के लिए बना इंडिया अलायंस अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं कर पाया। जितने दल उतनी बातें, कोई संख्या बताकर सीटों पर दावा ठोक रहा तो कोई बड़े और खुले दिल का दांव चल रहा। खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेगी। खुले मन और बंद मुंह 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। इंडिया लाइंस के दलों में सीट शेयरिंग का एक पेज महाराष्ट्र में भी फंसा है, जहां 48 लोकसभा सीटें हैं। यहां की 23 सीटों पर शिवसेना की दावेदारी आपने देख ली। अब कांग्रेस और एनसीपी के लिए बच गई 25 सीट। बताते हैं कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इस पर राजी भी हो गए थे, लेकिन इसमें किंतु परंतु का टाका लग गया। ये टाका लगाया बाबा साहेब की सियासी विरासत पर दावा करने वाले प्रकाश अम्बेडकर ने, जो वंचित बहुजन अघाड़ी यानी VBA के अध्यक्ष है। VBA महाराष्ट्र में शिवसेना की पार्टनर है, लेकिन ये न तो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है और न ही इंडिया अलायंस से कोई नाता है। लेकिन इस बार यानी 2024 का चुनाव वो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लड़ना चाहती है। अब तक अलायंस ने VBA को कोई पॉजिटिव सिग्नल तो नहीं दिया, लेकिन प्रकाश अम्बेडकर ने खुद ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला फ्लोट कर दिया। समान और न्यायिक सीटों का बंटवारा होना चाहिए और चारों भी पार्टियों ने कुल 48 सीटों को 12-12 के हिस्से में बांटना चाहिए, जिससे आज किसी को भी अपनी पार्टी को बड़ा करने की होड़ लगाने की बजाय मोदी को रोकना, इसको प्राथमिकता हमको देनी पड़ेगी। प्रकाश अम्बेडकर की सियासी हसरत पर बात करने से पहले आपको उनकी पार्टी का चुनावी सफर दिखा देते हैं। VBA ने 2019 में 47 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हर सीट पर हार मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी किसी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। फिर भी NCP अध्यक्ष शरद पवार VBA को इंडिया लाइंस में शामिल करने की हिमायत कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? वजह है महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के वोटर्स का दबदबा, जो 17 सीटों पर बड़ा खेल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के 11.81% वोटर हैं। इनके लिए लोकसभा की 5 सीट आरक्षित है। लोकसभा की 12 सीट पर अनुसूचित जाति के 15% वोटर हैं, जिसकी पसंद नापसंद चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर डाल सकती है। प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी भले ही आज तक कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले चुनाव में इसने कांग्रेस और NCP को 7 सीटों पर जीत से दूर कर दिया था। प्रकाश अम्बेडकर कोई बहुत बड़ी वहां चुनौती नहीं रहे हैं। कुछ एक पॉकेट में वो 2-3-4% वोट बैंक को लेकर के चलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के भी छोटे देते में, तो वो कोई बहुत बड़ी चुनौती दिखते हों मुझे वैसा नहीं लगता कि रहने ना रहने से बहुत बड़ा फर्क पड़े, ऐसा नहीं। VBA ने इस बार भी कह दिया है कि अगर उसे इंडिया अलायंस में स्पेस नहीं मिला तो वो शिवसेना से गठजोड़ करेगी और गठबंधन धर्म में बंधी शिवसेना उसे शांति बनाए रखने की सलाह दे रही है।